नमस्कार, आप देख रहे हैं आरघट न्यूज। खबर शेखपुरा से है। शेखपुरा में अग्निशमक कर्मचारियों को बेहतर प्रयास जारी है और इसी कड़ी को लेकर अग्निशमक कर्मचारी गांव गांव में जाकर लोगों को आग से बचने का गुण सिखा रहे हैं और लगभग 20 से 25 गांव में इसका प्रशिक्षण ग्रामीणों को दिया जा रहा है। यह प्रशिक्षण अग्निशमक कर्मचारी सब ऑफिसर तेजन राम के द्वारा दिया जा रहा है। सब ऑफिसर ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ बताया, देखें इस रिपोर्ट में। रेगुलेटर बाल के दिया, पहले बाल कर देना है रेगुलेटर। हमारे पास तीन बड़ी गाड़ियाँ, छह छोटी गाड़ी और उसके बाद में पानी भरने का हाइडेंट और गांव शहर में हाइडेंट का तालाब का चिन्हित कर लिए। विशेष परिस्थिति में कई एक गांव में आप जाते होंगे तो कई कठिनाइयां होती होगी, जहां जाने का रास्ता भी पॉसिबल नहीं है, उस परिस्थिति में आपका क्या कदम होता है? जाने की रास्ता नहीं है तब गांव घर लोगों के सहयोग लेके रास्ता को जैसे कैसे करवाते हैं। ऐसे पहले से जाके गाँव गाँव में मॉक ड्रिल प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि रास्ता बनाया जाए। आग से निपटने के लिए जैसा कि अभी आपने बताया कि शॉर्ट सर्किट वगैरह में किस किस परिस्थितियों में क्या क्या प्रशिक्षण ग्रामीणों के बीच आप दे रहे हैं जाकर? जैसे टिप्स में आ जाएगा, जैसे कि गांव में जाते हैं तो बीड़ी सिगरेट पी के जने तने फेंकने के लिए, आग लहराने के लिए, खाना बनाने के लिए सुबह 9 बजे के पहले, शाम में 7 बजे के बाद, ये सब उपदेश देते हैं। रसोई गैस से जब आग लगती है सर, तो उससे निपटने का क्या व्यवस्था है? रसोई गैस से आग लगती है तो उसे चादर से बोरा से ढक के बताने के लिए, जैसे कि लोगों का टेक्निक बताया जा रहा है। अच्छा, आपके पास कितने भी कर्मचारी हैं जो कि अग्निशमन में भी कार्यरत हैं? हमारे यहाँ 100 ऑफिसर, एक प्रधान अग्नि, 8 अग्नि चालक, 5 अग्नि, 6 गृह रक्षक। सभी कितना गाड़ी है हमारे पास? सभी अग्निशमालय एवं थाना में मिला के 9 गाड़ी। क्या नाम है सर? क्या नाम है आपका? मेरा तेजन राम नाम है। क्या है सर आपका? सब ऑफिसर।